बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने YouTube चैनल मोहसन इकबाल विलास पर। तो गाइस करते हैं आज की वीडियो शुरू। आज की जो मेरी वीडियो है वो दूसरी वीडियो से थोड़ी चेंज है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आप सोच रहे होंगे। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आजकल महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गरीब के लिए जीना भी जो है वो दुश्वार हो गया है, उसका जीना जो है उसके लिए बहुत मुश्किल बन चुका है। तो अमीर लोग जो हैं वो तो मज़ीद तरक्की करते जा रहे हैं, उनकी आमदन में इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन गरीब जो है वो बेचारा दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जा रहा है। उसको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा कि वो क्या करे क्या ना करे। तो आपने सुना होगा कि इस हुकूमत के आने से कितने लोगों ने खुदकशियाँ की, काफ़ी सारे लोगों ने अपने ख़ानदान को भी तबाह कर दिया, पूरी फैमिली को मार दिया कि हमारे हम उसकी वजह यह थी कि वो कह रहे थे कि महंगाई इतनी है कि हम क्या करें। तो जब इतनी महंगाई में क्या किया जाए, इसके लिए एक ही हल है कि पूरी आवाम जितनी आवाम है वो आपस में इतफाक़ करें। जब तक आवाम मुतहद नहीं होगी तो ये महंगाई जो है ये कम नहीं होगी। आवाम को मुतहद होना पड़ेगा, आवाम को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना पड़ेगा, तो उसके बाद ही ये महंगाई का सिलसिला जो है रुकेगा। वरना अगर आवाम इस तरह खामोश बैठी रही तो कुछ नहीं बनेगा। आवाम ये नहीं कि किसी सियासी जमात को लेकर आगे निकले, किसी सियासी जमात के अलावा अपने तौर पर जब आवाम निकलेगी, जब सारी आवाम निकलेगी अपने तौर पर, तो फिर ही कुछ महंगाई के ऊपर इफ़ेक्ट होगा, कुछ असरात जो हैं वो हुकूमत पर पड़ेंगे, वरना नहीं हो सकती। ये महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ती जा रही है ये तो कुछ समझ नहीं आती। शायद आगे पेट्रोल मज़ीद बढ़ने जा रहा है। तो यार गरीब के लिए बहुत जीना जो है वो दुश्वार हो चुका है। तो आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक मुतहद प्लेटफॉर्म पे हैं, एक इकट्ठे होकर हैं सारी आवाम जो है वो एक साथ मिल के है, तो फिर ही ये इसका सामना किया जा सकता है। वरना ये हुकूमत जो आई है इसने बहुत ज़्यादा जो है महंगाई कर दी है। और मज़े की बात यह है कि यही हुकूमत जो आज इतनी ज़्यादा महंगाई कर रही है, चंद माह पहले यही हुकूमत कह रही थी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो तजर्बाकार लोग हैं, और इन्होंने बाकायदा महंगाई मार्च निकाला था। और महंगाई मार्च में इन्होंने कहा था कि हमारे पास एक्सपर्ट लोग हैं, सीनियर लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं, हम इस महंगाई को कंट्रोल करेंगे। तो मतलब इनका ये रद्द अमल था कुछ माह पहले, लेकिन अब कुछ माह बाद अब देखें इनका ये हाल है कि जब इनको हुकूमत मिली तो इनसे हुकूमत चल नहीं रही, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इसका हल यही है कि सिर्फ पूरे जो पाकिस्तानी आवाम है इनको मुतहद होना पड़ेगा। जब तक आवाम मुतहद नहीं होगी तो मेरे ख्याल में ये महंगाई मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। आपने सुना होगा कि चंद माह पहले इंडिया में किसानों ने कुछ उनके खिलाफ, मतलब हुकूमत ने कुछ गलत फैसले किए, तो इंडिया के जितने किसान थे उन्होंने बगैर किसी पार्टी को पिक किए, बगैर किसी पार्टी का साथ लिए, उन्होंने अपने तौर पर इजलास निकाला, अपने तौर पर मुतहद होकर वो बैठ गए और उस वक्त तक नहीं उठे जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिला। तो यार हमें, हम लोग क्यों अपना हक नहीं ले सकते? हमारा हक है यार, हमें लेना है, और इसको लेने के लिए हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, वरना ये महंगाई जो है ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। इसको और कोई हल भी नहीं सिवाय आपस में मुतहद होने के। जब तक हम मुतहद नहीं होंगे तो ये महंगाई जो है ये दिन ब दिन रोज़ ब रोज़ बढ़ती ही चली जाएगी। तो अब गरीब बेचारा तो बहुत ज़्यादा मर रहा है, अमीर जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। इसकी एग्जांपल ये है कि आप ये देख लें कि मोटरसाइकिल वाली कंपनी जो है उसको कितना फ़ायदा होगा, डीजल वाली कंपनी जो है उसको कितना फ़ायदा होगा। मतलब ये जो कंपनी वाले लोग हैं, अमीर लोग ही हैं जिनकी कंपनी है, जिनके जो पेट्रोल पंप है, जिनके पास से डीजल आ रहा है, बाकी जितनी चीज़, मतलब मेन चीज़ें ये है ना, बाकी भी हर चीज़ जो है वो भी बढ़ गई है। तो आप मोटरसाइकिल की मिसाल ले लें, इसकी कीमत में 5,000 से लेकर 25,000 तक इजाफा हुआ। तो इसके एक बाइक का, जिसके पास पहले जिसने 1,00,000 की खरीदी हुई थी जिस कंपनी ने, जिस शोरूम वाले ने, अब वो 25,000 एक मोटरसाइकिल से कमा रहा है।
तो वो कितना अमीर होगा सोचो, और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी बड़ी है। तो जिनके पास स्टॉक पड़ा था, जिन लोगों के पास ज्यादा पेट्रोल पड़ा था, तो उनकी कीमत कितनी इंक्रीज हुई, और उन्होंने दिन ब दिन मिलियन बिलियन रुपीज कमाए, लेकिन गरीब बेचारा जो है वो तो बहुत ज्यादा ही गरीब हो गया है। उसके सिर्फ जो है वो 5,000 उसकी मतलब जो सैलरी थी वो इंक्रीज हुआ, लेकिन उससे क्या हो सकता है उसका गुजारा यार। वो बेचारा, उसको तो मजदूरी नहीं मिल रही होती, वो बेचारा रोड पे खड़े होते हैं मजदूर बेचारे, वो सोच रहे होते हैं कि कोई आए हमें हमारी बस दिहाड़ी लग जाए, वो दिहाड़ी के चक्कर में होते हैं कि हमारी दिहाड़ी लग जाए, लेकिन बहुत ही ज्यादा ये जो है इस हुकूमत का गलत इकदाम है, जो ये महंगाई पे से कंट्रोल नहीं हुआ जा रहा। तो इसका हल यही है जो मैंने आपको कहा कि आपस में इत्तेहाद करना पड़ेगा, सब लोगों को बगैर किसी पार्टी के पिक के, बगैर किसी सियासी जमात को लिए खुद ब खुद एहतजाज करना पड़ेगा, खुद ब खुद अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा। अगर हम अपने हक के लिए ना निकले तो ये महंगाई जो है वो मजीद बढ़ सकती है। तो अब तक की वीडियो यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद।